ये केस एक्चुअली लीड करती है डबल सीरियल किलर की तरफ, जिसकी वजह से कहानी बहुत लंबी हो जाती है। बट सिंस कि ये दोनों ही केसेस दो डिफरेंट सीरियल किलर करते हैं, मैं इस कहानी को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें से इस वीडियो में हम हथौड़े वाले सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत पिछले केस के एंड में ही हो गई थी, और इस कहानी को भी वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अब होता कुछ इस तरह से है कि उस 5 साल की बच्ची वाले मामले को जब ये लोग फिनिश करते हैं, तो इस बात के लिए कैप्टन युंगसुक पार्टी देते हैं अपनी टीम को एज अ स्मॉल सेलिब्रेशन, जहां से हायुंग तो पहले ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं कैप्टन युंगसुक अभी भी शराब पी रहे होते हैं, इसलिए उन्हें घर छोड़ने की जिम्मेदारी होती है जुंगवू की, जिसे मना करके ये अकेले ही जाने लगते हैं अपने घर की तरफ, जहां पर रास्ते में ये अपने फ्रेंड से बात भी करते हैं अपनी टीम को लेकर। अब रात काफी ज्यादा हो गई होती है और इसे शराब के नशे में देखकर एक पर्सन आगे बढ़ता है उसे मारने, बट जब वो इसकी बड़बड़ सुनता है कि वो एक ऑफिसर है तो वो उसे नहीं मारता। साथ ही युंगसुक नशे में अपनी आईडी कार्ड को रास्ते में ही फेंक देता है, जिसे उठाकर वो पर्सन चला जाता है वहां से, और वहां से वो जाता है एक नदी की तरफ, जहां पर उसने एक कुत्ते को बांध रखा होता है ताकि उसे मारकर वो अपना गुस्सा शांत कर सके। मोर लाइक वो प्रैक्टिस कर रहा होता है लोगों को मारने की, क्योंकि इससे पहले भी वो एक डॉग को मारने की कोशिश कर चुका होता है, बट चाकू लगते ही वो डॉग भाग जाता है वहां से, और इसलिए इसके हाथ में अब एक हथौड़ा होता है ताकि वो उसे एक ही बार में मारकर खत्म कर सके। इस किलर का नाम होता है युंगचुल, जो कि एक वजह के लिए लोगों को मारना चाहता है, और वो वजह हमें पता चलेगी इसके पकड़े जाने पर। अभी के लिए ये यहाँ से निकलकर अपनी फोटो उस ऑफिसर की आईडी कार्ड पर चिपकाता है और सेम उसी का यूज वो करता है अपना पहला मर्डर करने के लिए। आई नो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में चॉ युंगिल के बारे में बात करेंगे कि उसने 5 साल की बच्ची को क्यों मारा और उसके इतने सारे टुकड़े क्यों किए, तो हम पहले उसी को फिनिश कर लेते हैं इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले। ये बंदा कोई पागल नहीं होता, बट इसे इनसिक्योरिटी जरूर होती है बहुत सारी वजहों से, लाइक कि उसके हाथ की 2 उंगलियां नहीं होती और उसे लगता है कि बाकी लोग उसे पसंद नहीं करेंगे उस वजह से, और स्पेशली वो इनसिक्योर होता है वुमेन्स को लेकर कि कोई लड़की उसे पसंद नहीं करेगी, इसलिए वो सबसे अकेले ही रहता है, और अपने उन्हीं इनसिक्योरिटीज की वजह से वो कभी शादी भी नहीं करता, किसी को अप्रोच नहीं करता। बट बच्चे किसी को उनके लुक्स के बेस पर जज नहीं करते, वो मासूम होते हैं, उनमें इतनी नेगेटिविटी नहीं होती कि वो किसी को देखकर उनसे नफरत करना शुरू कर दे, इसलिए ये बच्चों के आसपास कंफर्टेबल होता है। और रही बात कि उसने उस लड़की को किडनैप क्यों किया, तो उसके लिए ये कहता है कि उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, वो गलत वक्त पर एक गलत जगह पर थी, अगर वो वहाँ पर नहीं होती तो ना ही वो उसे किडनैप करता और ना ही डर की वजह से उसे मारता, और डर की वजह से ही उसने उसकी बॉडी के इतने सारे टुकड़े किए उसे छुपाने के लिए। बट इसने पहले भी एक नाबालिग का रेप किया होता है 3 साल पहले, जो कि मुझे लगता है कि इसने क्यूरियोसिटी की वजह से किया होगा। एक 30 साल का आदमी अपनी पूरी जिंदगी वुमन से दूर भाग रहा था, और जब कोई उसके करीब आया होगा उसे बिना जज किए, तो उसने उसके साथ वो सारी चीजें करने की कोशिश की होगी जो कि शायद वो अपनी पार्टनर के साथ करता। और अब यहाँ से आते हैं इस कहानी पर, जो कि बहुत आगे बढ़ती है, ऑलमोस्ट 1 साल आगे, और इस बीच वो एनालिस्ट टीम बहुत सारे क्रिमिनल्स का इंटरव्यू करती है, तो वहीं वो किलर अपनी फेक आईडी दिखाकर लोगों से घूस ले रहा होता है और मोस्टली लोगों को नहीं मारता काफी टाइम तक। बट 1 साल बाद वो अमीर लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू करता है, और स्पेशली बूढ़े लोगों को, जिनकी जेंडर की बात करें तो मरने वाले विक्टिम्स फीमेल होती है। और ये सारी घटना चर्च के आसपास होती है, जिसका भी एक रीजन होता है जो कि मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए कहानी शिफ्ट होती है क्राइम यूनिट की तरफ, जहां पर एक नया चीफ ट्रांसफर लेता है जिसका नाम होता है किम बोंग सिक। ये बंदा एक नंबर का खड़ूस मतलबी और नौटंकीबाज होता है, जिसकी नजर होती है यून पर। साथ ही यून टेकु जिस ब्रांच में पहले काम करती थी वहां का भी ये हेड रह चुका होता है, और साथ ही वहीं पर काम किया करता था हायोंग, और इसलिए ये हायोंग से तो सख्त नफरत करता है, और इसकी हरकतों की वजह से यून इससे, इसलिए ये उसे अवॉइड करने की कोशिश करती है। बस देखना ये होगा कि एक ही डिपार्टमेंट में वो अपने सीनियर को कब तक इग्नोर करेगी। साथ ही किम यहाँ से हायोंग से भी मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर ना सिर्फ ये उसकी बल्कि उसकी पूरी टीम को उल्टी सीधी बातें सुनाता है। और इसका रीजन जानने के लिए हमें जाना होगा ईयर 1996 में। उस वक्त यून टेगो एक क्रिमिनल का पीछा कर रही होती है, एंड मोस्ट लाइकली उसकी पूरी टीम उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उस इलाके में उसे ढूंढ रही होती है। और जब यून को वही क्रिमिनल दिखाई देता है तो वो उसके पीछे भागती है उसे पकड़ने, जो कि इसके गर्दन पर चाकू रखता है इसे मारने के लिए। और यहाँ पर इसकी जान बचाने के लिए आता है हायोंग, जो कि उस क्रिमिनल से लड़ता है और उसे काबू में भी करता है, बट वो इन सब का क्रेडिट नहीं लेता और पुलिस के आने से पहले ही चला जाता है वहां से, ताकि सबको लगे कि यून ने ही उस क्रिमिनल को पकड़ा है। और ऐसा होता भी है, उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यून को प्रमोट कर दिया जाता है, उसकी नाम और शोहरत बढ़ती है।
बट ये बंदा उसको ताने देता है कि उसकी असलियत उसे पता है कि उस क्रिमिनल को किसने पकड़ा था। ये बंदा एक तरह से यून को ऑफिसर नहीं बल्कि उसको एक कमजोर औरत की तरह देख रहा होता है जो कि उसके हिसाब से घर में ही रहे तो अच्छा। और इसके तानों की ही वजह से यून हायुंग से नफरत करने लगती है कि अगर उसने खुद उस क्रिमिनल को पकड़ा होता तो शायद उसे ये सब कुछ नहीं सुनना पड़ता। और इसी की वजह से ये यून से ठीक से बात नहीं करती। मे बी शायद इसे लगा होगा कि हायुंग ने उसे औरत समझकर उस पर एहसान किया है जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। साथ ही किम का एक फेवरेट वफादार भी होता है, एक रिपोर्टर जिसको ये अंदर की बातें बताता है ताकि सबसे पहले वो उसे अपने न्यूज में छाप सके। और सिम इसी बात के लिए वो उसे पैसे भी देता है और साथ ही दलालों से भी मिलवाता है। और कहानी यहाँ से फिर से शिफ्ट होती है उस किलर पर जो कि 12 दिन बाद एक घर में घुसकर एक और फैमिली को मारता है और इस केस को भी क्राइम यूनिट ही संभालती है। जिन्हें ये मर्डर थोड़े से अजीब से लगते हैं क्योंकि उस मर्डर ने घर के कुछ भी चीज को नहीं चुराया होता, यहाँ तक कि पैसों को हाथ तक नहीं लगाया होता। और इसी वजह से ये इन मर्डर्स को सीरियल किलिंग नहीं मानते और इन्हें लगता है कि ये सब कोई बदला लेने के लिए कर रहा होगा। तो वहीं एनालिस्ट टीम किसी और केस को देख रही होती है अभी के लिए और इन्हें इस केस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और जब इस केस की भी फाइल हायुंग के हाथ लगती है तो वो दिन रात एक कर देता है इस केस को भी समझने के लिए। साथ ही इमयोंग डिस्ट्रिक्ट में एक और सीरियल किलिंग का मामला स्टार्ट हो जाता है जिसमें कोई पर्सन चाकू का इस्तेमाल कर रहा होता है लोगों को मारने की, जिसकी फुटप्रिंट का साइज इस इलाके में मिलने वाले फुटप्रिंट के साइज से छोटी होती है। तो वहीं ये खबरें जब मीडिया में आना शुरू होती है तो वो किलर रुक जाता है कुछ टाइम के लिए ताकि कोई भी उसे रंगे हाथों पकड़ न सके। और फिर एक महीने बाद वो फिर से निकलता है शिकार पर, बट इस घर में घुसने से पहले वो ये बात अनश्योर करता है कि वो लेडी घर में अकेली है या नहीं। और जब इसे एक मेल पर्सन की आवाज सुनाई देती है तो ये घर में नहीं घुसता उसे मारने के लिए और इंतजार करता है सुबह होने का जब उस लेडी का हस्बैंड काम पर जाएगा। और उसके जाते ही वो घर में घुसता है उस लेडी को मारने, जिसके बारे में जब इन्हें पता चलती है तो ये सब भी अपनी टीम लेकर निकल जाते हैं उस क्राइम सीन पर। और साथ ही हायुंग भी वहीं पर जाता है जिसे ये किम अंदर जाने से रोकने लगता है कि वो कोई ऑफिसर नहीं। ये बंदा इससे एक तरह से नफरत करता है क्योंकि इसे लगता है कि इसका और यून टेगू का कोई चक्कर चल रहा है और सेम रीजन के लिए ये उसे अपना राइवल समझता है। बट हायुंग उसकी एक भी नहीं सुनता और धक्का मुक्की करते हुए अंदर चला जाता है उस सीन को देखने के लिए। और जब ये अंदर जाता है तो वो अपने हिसाब से क्राइम सीन को देखने लगता है कि उसने उसे मारा कैसे होगा, जिसके कुछ देर बाद उसका सीनियर उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया और इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी टीम की किसी ने शिकायत की होगी हाई कमान को। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो पर्सन हो सकता है किम, जिसने अपने सीनियर से ये कहा होगा कि एनालिस्ट टीम उनकी इन्वेस्टिगेशन में दखल दे रही है, क्योंकि जब अगले एपिसोड की शुरुआत होती है तो पूरी क्राइम यूनिट यही बात कर रही होती है अपने सीनियर से कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में वो लोग दखल देते हैं। इवन की यून टेगू भी यही बात करती है, इन्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं होता कि वो लोग इनकी कितनी मदद करते हैं किसी को सॉल्व करने में, ये बस उन्हें किसी भी तरह से दखल देने से रोकने की बात करते हैं अपने केसेस में, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इनकी एक भी नहीं सुनता क्योंकि वो लोग डायरेक्टली उन्हें रिपोर्ट करते हैं और क्राइम यूनिट भी उन्हीं के अंडर आती है और इसलिए सबको उनकी बात माननी पड़ती है। और जैसे ही फोर्थ मामले के बारे में इन्हें पता चलता है तो ये सब भी निकल जाते हैं उसी घर की तरफ जहाँ पर इस बारे उस क्रिमिनल ने ना सिर्फ घर के लोगों को मारा होता है बल्कि उस घर में आग भी लगाई होती है जो कि शायद उसने सबूत मिटाने के लिए ये सब किया होगा। अभी के लिए क्राइम यूनिट हर वो चीज करती है जो कि वो नॉर्मली करती है, बट यहाँ पर मोस्टली एनालिस्ट टीम को इमीडिएटली अंदर जाने नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पर उनके अंदर की सोर्स हेल्प करती है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से, जो कि इन्हें अपने जैकेट पहनाकर क्राइम सीन में ले जाती है जहाँ पर जब ये जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उस क्रिमिनल ने किसी अजीब हथियार का इस्तेमाल किया है उन्हें मारने के लिए। साथ ही उस किलर ने उस घर में टंगे क्रॉस को भी नुकसान पहुंचाया होता है, जिसका कंक्लूजन मैं आपको अभी के लिए नहीं बताऊंगा। अभी के लिए तो क्राइम यूनिट सभी तरह के सीसीटीवी फुटेज की तलाश कर रही होती है, साथ ही इस बात की भी कि वो सारे मर्डर्स का कोई रिलेशन तो नहीं, बट ये केस इनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती क्योंकि वो किलर पैसों के लिए लोगों को नहीं मार रहा होता और सिर्फ अमीरों को टारगेट कर रहा होता है। और स्पेशली उस इलाके में रहने वाले वुमेन को जो कि चर्च के आसपास होती है, उसे किस बात का गुस्सा है और वो किस लिए लोगों को मार रहा है, यही बात ये कंफर्म नहीं कर पा रहे होते। बट क्राइम यूनिट को उसकी फोटो जरूर मिलती है जिसमें वो सिर्फ पीछे से दिख रहा होता है। और ये बात जब एनालिसिस टीम को बताई जाती है तो हायुंग उस फुटेज को मीडिया में देने की बात कहता है, जिसका असल मकसद उसे पकड़ना नहीं होता बल्कि उस क्रिमिनल को क्राइम करने से रोकना होता है ताकि थोड़ा सा इन्हें और टाइम मिल जाए उसे पकड़ने के लिए। और ये सब करने का रीजन होता है पिछले तीन मर्डर्स की
टाइम पीरियड जहां पर उस किलर ने अपने पहले मर्डर करने के बाद ऑलमोस्ट 12 दिन बाद दूसरा मर्डर किया होता है और फिर 6 दिन बाद तीसरा। और यही सारी बातें जब मीडिया में आना शुरू होती है तो वो रुक जाता है कुछ टाइम के लिए जब तक कि ये मामला लोगों के दिमाग से निकल न जाए। और जब उसे लगता है कि सही टाइम आ गया तो वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद चौथा मर्डर करता है और सेम उसी की वजह से ये लोग उसकी फोटो न्यूज में देने की बात करता है ताकि वो फिर से किसी और को न मारे। और इस बात का जो सबसे ज्यादा विरोध करता है वो पर्सन होता है किम, जो कि इसके आइडिया को बेकार कहता है कि उससे तो वो और भी सतर्क हो जाएगा। और हायुंग एग्जैक्टली यही करना चाह रहा होता है, इसलिए सीनियर उसकी बात मानकर उसे परमिशन दे देते हैं उसे न्यूज में छापने की। बट इस मनबुद्धि के दिमाग में तो उसकी एक भी बात नहीं घुसती और इसलिए ये यून टेगू से उसकी बुराई करने लगता है, जो कि जब उसके साइड लेने लगती है तो ये उस पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करता है उस पर हाथ उठाने की। बट यून टेगू उसे डरने वालों में से नहीं होती और उसके मुंह पर खींच कर तमाचा मारती है उसे बताने के लिए कि वो भी एक ऑफिसर है और इसलिए वो उसे कमजोर समझने की भूल बिल्कुल भी न करे। और अगले दिन जब वो खबर अखबार में छपती है तो वो किलर सच में रुक जाता है, इवन कि वो लोगों को मारने का तरीका ही बदल देता है और किताबें पढ़ने लगता है बायोलॉजी की, ताकि वो इंसानी शरीर के बारे में सब कुछ जान सके। और इसी तरह से 2 महीने निकल जाते हैं बट फिर भी कोई भी मर्डर नहीं होती उस इलाके में। और अपने रिसर्च के लिए वो किलर खुद की MRI स्कैन भी करवाता है ताकि वो देख सके कि कौन से पार्ट को काटना आसान होगा, और वही स्कैन वो अपने घर की दीवार पर चिपका देता है स्टडी करने के लिए। तो वही इम योंग शहर में एक और सीरियल किलर चाकू घिस रहा होता है जो कि मोस्टली शिकार बनाता है 20 साल की लड़कियों का। बट ये केस कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए मैं इसे एक और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एक नए केस के साथ, नहीं तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। अभी के लिए हायोंग अपनी रिपोर्ट देता है क्राइम यूनिट को कि उसके हिसाब से वो पर्सन कौन होगा, और साथ ही वो उसे दिमागी रोगी भी बताता है और इसलिए उसी के दिए हुए रिपोर्ट के बेस पर ये उस तरह के पर्सन की तलाश करने लगते हैं जो कि इनके हाथ बिल्कुल भी नहीं लगता। और जब कई महीने निकल जाते हैं तो कमिश्नर उन सब के लिए चिल्लाता है इन लोगों पर कि वो कर क्या रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहकर। और इसी तरह से 105 दिन निकल जाते हैं बट कोई भी इन्फॉर्मेशन इनके हाथ नहीं लगती। और अगली एपिसोड मोस्टली फोकस करती है नए सीरियल किलर पर, जिसे ये वही किलर समझ कर तलाश करने लगते हैं, बट उसका तरीका चाकू से लोगों को मारने का होता है, जिसे ये भी समझ जाते हैं कि वो कोई दूसरा किलर है, साथ ही वो दूसरे इलाके में हो रहा होता है सो अलग। अभी के लिए हम इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते और सीधा जंप करते हैं मेन कहानी पर, जो कि ऑलमोस्ट 5 महीने आगे जाती है, जहां पर वो किलर एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है अपने घर। और जब सीन उसी के घर के अंदर शिफ्ट होती है तो वो किलर उस लेडी को मार डालता है और उसके कई सारे पार्ट्स कर देता है उसे ठिकाने लगाने के लिए। और इसे मिलाकर उसने अब तक 18 मर्डर्स किए होते हैं, जिसके बारे में किसी को पता इसलिए नहीं होता क्योंकि इसने उन्हें काट कर ठिकाने लगा दिया होता है। और सेम उसी के बारे में एनालिस्ट टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है क्राइम यूनिट के द्वारा कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। दरअसल ये बंदा पकड़ा नहीं गया होता बल्कि खुद उनकी झोली में आकर गिर जाता है, और ये सब होता है उस प्रोस्टिट्यूट की वजह से, जिसका दलाल पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है उसके गायब होने की, जिसके लिए जब पुलिस इसे पकड़ती है तो ये कबूल करता है कि उसी ने उन सबको मारा है। और ये सब वो एक रीजन के लिए कह रहा होता है क्योंकि ये बंदा बहुत चालाक होता है और मे बी अब उसे अटेंशन चाहिए होती है सबकी। साथ ही उसे ये बात भी पता होती है कि पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट कोई सबूत नहीं मानी जाती और इसलिए वो सब कुछ कहता जाता है, और कभी कभी तो वो इन पर हंसता भी है जैसे कि वो इन्हें चिढ़ा रहा हो। तो वही ये सब अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि ये अंदर जाकर उसे मार ना दे, जो कि एक तरह से फिजिकल असॉल्ट का केस बनता। बट इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वो पर्सन खुद मिर्गी के दौरे से तड़पने लगता है, जो कि कुछ देर बाद जब फिर से नॉर्मल होता है तो वो टॉयलेट जाने की बात करता है यहाँ से भागने के लिए, जिसके भागने पर शुरू होती है एक लंबी चेज और पूरी डिपार्टमेंट लग जाती है उसे पकड़ने के लिए उस इलाके में, जो कि वक्त रहते ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि वो किलर यून टेगू को घायल कर देता है और उसी जगह पर उसे मारने लगता है उसे तड़पाने के लिए। बट वक्त रहते ठीक यहीं पर आता है हायोंग, जिसे हमें काफी अच्छी संघर्ष देखने को मिलती है दोनों ही तरफ से, जिसमें जब वो किलर उस पर भी भारी पड़ने लगता है तो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है यून, और ये दोनों मिलकर उसे रोक देते हैं। और इस बार यून टेगू खुद उसे हथकड़ी लगाती है जैसे कि वो कह रही हो कि उसने अभी तक हार नहीं मानी। और जब सारी टीम वहाँ पर आती है तो यून टेगू के लिए एम्बुलेंस बुलाया जाता है, तो वही वो सब उस किलर को लेकर जाते हैं थाने, जहाँ पर ऑफ कोर्स ये सभी लोग काफी गुस्सा होते हैं। बट गुस्से से ज्यादा यहाँ पर समझदारी दिखाने का वक्त होता है, क्योंकि वो किलर अपने पिछले बयान से पलट रहा होता है कि उसने वो सब कुछ झूठ कहा था, जो भी उसने टीवी में देखा उसने वो सब कुछ लिख दिया और ये सब उसे फोर्सफुली लिखवाया गया था एक्सेट्रा। बट जब इसे गुस्सा दिलाया जाता है तो वो कहता है कि वो सिर्फ उनके सीनियर से बात करेगा और उसके अलावा किसी और
से नहीं। और इन सब का सीनियर होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे अंदर भेजने से पहले हायोंग उसे कुछ फाइल्स को भी ले जाने के लिए कहता है, ताकि वो सबको देखकर डर जाए कि उनके पास उसके अगेंस्ट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और साथ ही ये उससे सिर्फ फैक्ट्स के बेस पर बात करता है, जिससे वो पर्सन और पिटर जाता है। जैसे कि उसने अपने ड्राइंग में एक लॉकर भी बनाई होती है, जो कि पुलिस ने कभी भी मीडिया को नहीं बताई थी, मीन्स कि वो सच में वहां पर था। और इसी तरह से उसे और भी जब बातें बताई जाती है, तो ये इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो मान ही जाता है कि उसने सच में उन लोगों को मारा था। और उस जगह तक लेकर जाता है जहां पर उसने उन बॉडी पार्ट को दफनाया था, जिससे इनके पास बहुत सारे एविडेंसेस आ जाते हैं उसे अस्ताने से सलाखों के पीछे भेजने के लिए। साथ ही पुलिस को ये भी लग रहा होता है कि इम योंग इलाके में हुए मर्डर केसेस को भी उसी ने किया होगा, जिसके लिए वो मना कर रहा होता है। और जब यून ठीक होकर उससे पूछताछ करने के लिए आती है कि उसने इतने सारे मर्डर्स क्यों किए और किस वजह के लिए, तो उसका आंसर देते हुए ये उसे कांग्रेस भी कहता है कि उसकी वजह से अब उसे प्रमोशन मिलेगा। जिनमें से एक बात तो क्लियर होती है कि इम योंग इलाके में हुई वारदात को उसने नहीं किया होता, बट मीडिया उन मर्डर्स को भी उसी के सर पर लगाती है, जिसे सुनता है ये असली किलर, जिसे शायद लगता है कि वो बंदा उसके किए हुए मर्डर्स की क्रेडिट ले रहा है। इसलिए ये गुस्से में आकर एक और मर्डर करता है, और इस बारी वो घर में आग भी लगा देता है, ताकि सबको पता चल जाए कि वो सारी मर्डर्स कोई और कर रहा है, ना कि वो हथौड़े वाला किलर। और ये एपिसोड हो जाती है खत्म। मैं इसी पार्ट में इस किलर का भी मोटिव एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि अगली स्टोरी में हमें फिर से इसे एक्सप्लेन करना ना पड़े। जब एक केस क्लोज होती है, तो ये केस जाती है एनालिसिस टीम के पास, जो कि उसे पूछताछ करने के लिए आती है कि उसके मर्डर करने का मेन रीजन क्या है, जिसके लिए ये बताता है कि उसका डैड शराब पीकर उसे नंगा करके मारता था, और उसके हिसाब से उसके ऐसा बनने का रीजन वही है, क्योंकि ये कभी भी अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाया जब तक कि उसने जानवरों को मारना शुरू नहीं किया। सबसे पहले उसने एक डॉग को चाकू मारा था, जो कि जल्दी ही वहां से भाग गया। फिर उसके बाद उसने एक डॉग को गर्म पानी में उबाल कर उसे मार डाला। फिर उसने पड़ोसी की एक गाय को मारा, जिसके बारे में जब उसके बाप को पता चला, तो उसने उसे नंगा करके घर से बाहर निकाल दिया। और इन सब के बाद उसने खुद का इलाज करवाने की भी कोशिश की थी, जो कि उसकी एक भी काम नहीं आई। इसलिए वो अपने गुस्से को शांत करने के लिए लोगों को मारने लगा, स्पेशली चर्च के आसपास रहने वाली औरतों को, क्योंकि ये एक तरह से बताना चाहता था कि वो लोग भगवान के इतने पास रहते हैं, फिर भी भगवान उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। एक तरह से ये खुद को सबका कर्ता धर्ता समझता था, कि वो डिसाइड करेगा कि कौन जिएगा और कौन नहीं। और जब भी इसे किसी का बिहेवियर या कुछ करने का तरीका पसंद नहीं आता था, तो वो उन्हें मार डालता था, और वो भी बड़ी सफाई के साथ। और इसने उस घर में आग एक रीजन के लिए लगाई होती है, कि जब वो पैसों के लिए एक लॉकर को तोड़ रहा था, तो उसका हाथ जख्मी हो गया था, और सबूत मिटाने के लिए उस घर में आग लगाना जरूरी था। साथ ही वो ये भी कहता है कि वो लोग उसे कभी भी नहीं पकड़ पाते अगर उसने वो गलती नहीं की होती। अगर वो प्रोस्टिट्यूट को नहीं मारता, तो वो आज भी आजाद होता, और वो सब उसे कभी भी नहीं पकड़ पाते। और इसी तरह से वो और बहुत सारी बातें बताता है, जिसके एंड में हायोंग उसके घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। साथ ही इसी एपिसोड के एंड में यून टेगो हायोंग से मिलने के लिए भी आती है, ताकि वो उसे माफी मांग सके अपने बिहेवियर के लिए, क्योंकि उसने स्टार्ट से ही उसे गलत समझा होता है कि वो भी दूसरे मेल ऑफिसर्स की तरह है, जो कि उसकी एबिलिटी पर शक करता है। और साथ ही वो उसे थैंक्स भी कहती है कि अगर वो नहीं होते, तो शायद वो जिंदा भी नहीं होती, और उसी की वजह से वो इस केस को सॉल्व कर पाए होते हैं। और अगले वीडियो में हम इस बंदे की कहानी जानेंगे कि ये सीरियल किलर क्यों बना। टिल देन, लाइक दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।